हाय दोस्तों, वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। यहाँ पे हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक काफ़ी बड़ी अपडेट है, यूपी फ्री लैपटॉप 2021 के बारे में, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कई कॉलेजों में स्टार्ट हो चुकी है। हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताएंगे कि इस प्रकार से आप रजिस्टर कर सकते हैं, किस प्रकार से आप टैबलेट लैपटॉप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कई सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन ये आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपको जो भी है डॉक्यूमेंट किस तरह से आपको डाटाबेस फिल करनी है लैपटॉप और स्मार्टफोन के लिए। यहाँ पे दोस्तों एक बात समझने वाली है कि कृपया करके आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना, या आपके कॉलेज के द्वारा जब कोई नोटिस आए तो इस फॉर्म को सबमिट करना। इसमें हम कुछ ज़रूरी बातें आपको बताने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी बातें क्या रहने वाली हैं आपके लिए दोस्तों, यहाँ पे एक डाटा फॉर टैबलेट एंड स्मार्टफोन के लिए एक डाटा प्रोवाइड कराया गया है, जो कि किसी कॉलेज से एक स्टूडेंट ने सेंड किया है। वो डाटाबेस क्या है उसमें सारी चीज़ें हम बताएंगे। ऐसे ही डाटाबेस आपके कॉलेज के द्वारा भी सेंड किया जाएगा। ये आपके मैनुअली जो है, यहाँ पे हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी डाटाबेस आपको भेजता है टैबलेट स्मार्टफोन के लिए, तो अगर वो कॉलेज के द्वारा आता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कॉलेज के द्वारा नहीं आता, किसी दूसरे में आपने उसको फिल कर दिया, तो हो सकता है आपका डाटा लीक कर सके। इस वजह से इन सब चीज़ों से आप बचिए। ये जो डाटाबेस है टैबलेट स्मार्टफोन के लिए, ये अपने कॉलेज टू कॉलेज वैरी कर रहा है, क्योंकि कॉलेज वाले अपना खुद डाटा बना के उस टैबलेट और स्मार्टफोन का बच्चों से फिल करवा रहे हैं, लेकिन कुछ केसों में जैसे UPBT जो है, यानी UPBT की तरफ से या पॉलीटेक्निक की तरफ से, BTEC की तरफ से, ITI की तरफ से, उनमें जो है यूराइज पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। आगे अगर उनके लिए भी कोई डाटा अगर कॉलेज सेंड करेगा तो वो उसको आप फिल करना, और सबसे पहले अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लेना। ये डाटाबेस से एक कॉलेज के द्वारा सेंड किया गया, तो इस डाटाबेस में क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। पहला, इसमें ईमेल आपको देना पड़ेगा, उसके बाद स्टूडेंट नेम रहेगा, जेंडर रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, मदर्स नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आधार नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगी, परमानेंट एड्रेस रहेगा, तहसील रहेगी, डिस्ट्रिक्ट रहेगी, पिन कोड रहेगा, नेटिव स्टेट रहेगा आपका, यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आपके लिए रहेगी, इंस्टीट्यूशन कोड क्या रहेगा, इंस्टीट्यूशन नेम एंड एड्रेस, स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ कोर्सेज, लेवल ऑफ कोर्सेज, कोर्सेज इनरोलमेंट, करंट कोर्सेज ईयर यानी किस ईयर में आप पढ़ रहे हैं, ब्रांच कौन सा है, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जब ये सारी चीज़ें आपकी फिल हो जाएंगी, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों का आपको सबमिट के बटन पे ओके कर देना है, आपके ये फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो डाटाबेस थी एक स्टूडेंट के द्वारा भेजी गई थी, हो सकता है आपकी जो VT बोर्ड है यानी UPBT बोर्ड, या अदर कोई VTEC हुआ या कोई ITI का हुआ, उनका जो डाटाबेस अभी तो यूराइज पोर्टल पे ही सबमिट हो रहा है। अगर उनके कॉलेज के द्वारा कोई डाटाबेस सेंड किया जाता है जो कि टैबलेट या स्मार्टफोन के लिए, तो वो हम आप लोगों को अपडेट बताएंगे। वैसे आपके कॉलेज के हर एक कॉलेज का डाटाबेस टैबलेट स्मार्टफोन का अलग अलग रहने वाला है। यूराइज पोर्टल वाले जो बच्चे हैं, जिन्होंने यूराइज पोर्टल पर जो भी UPBT है या जिन्होंने ITI के द्वारा, तो उनका जो है यूराइज पोर्टल पे ही उनका सब कुछ हो गया है। अब जो अगर प्रॉपर कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो कॉलेज वाले आप लोगों से संपर्क करेंगे, क्योंकि हर एक कॉलेज का ग्रुप होता है, उसमें मैसेज ज़रूर सेंड करेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या हो कि हमारे वीडियो की अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू दोस्तों।